हेलो मेरे प्यार बच्चों, स्वागत है आप सभी का एमके सर इंस्पिरेशन के एक और धमाकेदार वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के एक बेहद मजेदार टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में बच्चों हम सीखेंगे नरेशन को। बस आज की ये वीडियो देख लीजिए कंप्लीट, उसके बाद दिमाग पे कोई प्रेशर रहेगा ही नहीं। इसमें आपको नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, सेंटेक्स, सिंथेसिस सभी को हम बहुत ही सरल तरीके से निपटाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों। इसके लिए बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर आप एक एक करके नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, सेंटेक्स, सेंथेसिस सबको करवाइए। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों किस तरह के आपके जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी तरह के आपके नरेशन में पूछे जा सकते हैं, उन सभी को आज हम बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। और सबसे खास बात यह है रसगुल्लों कि आपको हम कोई रूल नहीं बताएंगे, आपको कुछ रटना नहीं है, बस थोड़ा सा आपको कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको थोड़ा समझनी है और कुछ नहीं करना है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन पहले पढ़िए, उसके भाव को ही समझना है। नरेशन में और कुछ भी नहीं चलता है नरेशन में बच्चों। इसमें हमेशा क्या होता है, डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट में हमें कन्वर्ट करना। डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष, यानी दो लोग बातें कर रहे हैं, वो डायरेक्टली आप बात कर रहे हैं। जब वही बात किसी तीसरे पर्सन को सुनाई जाती है तो इनडायरेक्टली हो जाती है। बस यही थोड़ा आपको क्या है, समझना है। ठीक, जैसे यहां पे पहला है क्वेश्चन कि राम सिड, राम ने कहा कि पीटी नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कि कह रहा है कि राम ने कहा कि भारत मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। बात एकदम 100% की गई है भाई, एकदम सही बात कही गई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, अर्थात जो चाचा नेहरू जी हैं, वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। एकदम सही बात की गई है। और ऐसी सिचुएशन में बच्चों कुछ चीजें ध्यान में रखना, जब कोई चीज सत्य कही जाए, कहावत कही जाए बच्चों, कोई मुहावरा हो, ठीक है ना, ये सारी चीजें हो, ठीक, कोई सार्वभौमिक सत्य हो, कहावत हो, मुहावरा हो, अगर ये बात कही जाए तो ऐसी सिचुएशन में बस आपको ये याद रखना है कि जो ये आपका बच्चों इन्वर्टेड कामा के अंदर है, यानी जो रिपोर्टेड स्पीच है, इसके टेंस में कोई बदलाव नहीं करना है बच्चों, इतना आपको याद रखना है। और यहां पर भी अगर सेड आ गया तो भाई सेड ही है, सेड टू है तो टोड लिख देंगे, बाकी उसमें कुछ भी नहीं बदलना है। और जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग किया जाएगा, है ना, हमें पता है दो शब्दों को जोड़ने के लिए हम दैट यहां पर लगाएंगे। तो इसको चलिए देख लेते हैं कि कैसे बनाएंगे, ठीक, कैसे आपको बनाना है। चीजों को समझना पड़ता है रसगुल्लों, रट्टा मारने से कोई चीजें आपके माइंड में स्टोर नहीं रहेंगी, एक बार समझ गए तो लाइफ टाइम ये चीजें आपके दिमाग में ही बैठी रहेंगी। ठीक, कह रहा है कि रामसेड, तो हमने बोला है कि भाई लिखिएगा रामसेड, कुछ नहीं परिवर्तन करना बच्चों। अब संयोजक के लिए हमने कहा इसको हटाकर दैट लगा देते हैं, दैट हो गया। अब उसके बाद इधर जो कुछ भी है वो आंख मूंद कर छाप दीजिए बस। कब, जब कोई सत्य बात कही जाए, कोई कहावत हो जाए, कोई मुहावरा हो जाए, जैसे 2 and 2 makes 4, जैसे 2 और 2 मिलके 4 होते हैं, तो बात सच है, ठीक है ना। इस तरह से मैन इज मोरल, कि जो व्यक्ति है, मतलब कहने का मतलब जैसे हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, लाइक दैट, इस तरह से कि भाई ईमानदारी एक अच्छी नीति है, इस तरह से ये सारी चीजें सत्य हैं। ये सब मतलब जो अगर हम बात करें बच्चों तो इनमें कोई दो राय नहीं है। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है, तो बात एकदम 100% की है, एकदम सच बात है, ठीक है ना, पश्चिम में छिपता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ऐसे अगर आपको ऐसा इनडायरेक्टली मतलब इसमें इन्वर्टेड कामा के अंदर आपको अगर हम बात करें दिखाई पड़े बच्चों, तो उसमें कोई चेंज नहीं करना, अर्थात पूरा छाप दीजिए पीटी नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक, ये चीज आपको समझ में आ गया बच्चों, आपके माइंड में आ गया, ये चीजें है। चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा कह रहा है, ठीक, इसको भी हम इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, दूसरा समझ लीजिए। दूसरा भी हमने एक और रख दिया है, क्योंकि ये चीजें कुछ ज्यादा ही बोर्ड एग्जाम में आती हैं।
कि बच्चे समझ नहीं पाते, इसे मार है वाज बेयर लगा देते हैं, ठीक है ना, यही आपको समझना है। ठीक, इसीलिए इसको हमने पिक किया है। अनुराधा सेड टू मी, अनुराधा ने मुझसे कहा, हेरा वो क्या कहते हैं, कौन सी मूवी थी, हेरा फेरी की कौन थी, अनुराधा उसमें थी ना चिटफंड वाली, ठीक, लेकिन वहाँ यहाँ पर भाई वो अनुराधा नहीं है, अनुराधा एक लड़की यहाँ पर कह रही है कि अनुराधा सेड टू मी, अनुराधा ने मुझसे कहा कि लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। तो भाई ये बात आप लोग बताइएगा क्या सच है, क्या प्यार वाकई में अंधा होता है? अब बोलोगे सर हमने तो कभी नहीं देखा, भाई हमें क्या मालूम, हमने तो प्यार किया ही नहीं, हमें कहे का मालूम कि प्यार अंधा होता है, बहरा होता है, गूंगा होता है, हमें क्या पता, ठीक ना, इतने शरीफ भी नहीं हो, खुद मालूम होगा, है ना। तो देखिए बच्चों, प्यार अंधा होता है सच बात है, प्यार अंधा का मतलब जरूरी नहीं कोई लड़का लड़की प्यार करे तभी, एक माँ अपने बच्चे से प्यार कर सकती है, एक पिता अपने बच्चे से प्यार कर सकता है, बच्चे अपने माता पिता से प्यार करेंगे, भाई और बहन में प्यार हो सकता है, जानवर में प्यार हो सकता है ना, हर जगह पर प्यार है, जरूरी नहीं बस लड़के और लड़की जब मतलब मिल जाए ना तभी प्यार है, नो नो ऐसा है नहीं है। तो ये मतलब एक ऐसी प्रेम की बात की गई सार्वभौमिक तरीके से। तो लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है, बात एकदम सही है। तो हम लिखेंगे बच्चों कि अनुराधा, ठीक, अनुराधा यहां पर सेड या सेट्टू को टोल्ड में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं बदलना, अनुराधा सेट्टू को टोल्ड में, अनुराधा टोल्ड में कंजक्शन हमने बताया, संयोजक दैट लगाएंगे बच्चों, दैट अब पूरा छाप दीजिए, दैट लव इज ब्लाइंड की प्यार अंधा होता है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक, चलिए अगला है कि ही सेड टू हिज फ्रेंड, हाँ ही सेड टू हिज फ्रेंड कि उसने अपने दोस्त से कहा, दो लोग हैं मतलब दो लड़के हैं, एक भाई क्या है कहने वाला है, एक सुनने वाला है। तो उसने अपने ही सेड टू हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त से कहा, किसने कहा, आई डोंट नो, हमें नहीं मालूम, किसने कहा, हमें नहीं कुछ नहीं पता, सुनने वाला कौन है, उसका दोस्त है, कि प्लीज लेंड मी योर बुक, कि कृपया मुझे अपनी किताब क्या कर दो, उधार दे दो, ठीक है ना। जैसे यहां पर बात किसी और दो लोगों की हो रही है, अगर वो बात हमें बताई जाए, ठीक है ना, हम उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, बस यही समझना है। लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीजें और ध्यान में रखना है, जहां पर भी प्लीज दिखाई पड़ जाए तो हमेशा वहां पर बच्चों कौन सा भाव हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में ध्यान देना विनती का भाव होता है ना बच्चों, कौन सा भाव, विनती का भाव, यानी रिक्वेस्ट की जाए, ठीक है ना, गुजारिश की जा रही है कि भाई कृपया मुझे अपनी, कहते यार प्लीज मुझे एक आज के लिए अपना अपनी बाइक दे दो, बोलते ना कहते प्लीज यार बहुत इमरजेंसी है भाई, मुझे आज तुम्हारा फोन चाहिए, मेरा फोन खराब हो गया है, या प्लीज यार मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे इतने रुपए दे दो, कल दे दूंगा, इस तरह से। तो ऐसे कामों में आप क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं, रसगुल्लो प्लीज वहीं पर आता है जहां विनती का भाव हो। तो आपको समझ लेना है, कुछ नहीं करना है, जब भी प्लीज आ जाए, पूरा खेल किसका होता है, सेड या सेड टू को बदलने वाला। तो प्लीज जब भी आए सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में, और कंजक्शन हमेशा यहां पर टू लग जाता है, इतना ध्यान देना, ठीक है ना। चलिए इसको हम निपटाते हैं, कैसे लिखेंगे बच्चों, कैसे इसको बनाएंगे, चलिए सीख लेते हैं। तो यहां पर क्या हमने कहा, ही है, तो भाई ही तो सी हो नहीं जाएगा, लड़की है, लड़का है तो लड़की तो हो नहीं जाएगा, बात समझ में आई। तो ही हो गया सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड, भाई उसका दोस्त है तो मेरा दोस्त नहीं बन जाएगा, उसका ही दोस्त रहेगा, कंजक्शन हमने बताया टू लगेगा। अब प्लीज को अपन नहीं लिखते हैं, प्लीज के ही लिए तो यहां रिक्वेस्टेड लगा दिया गया, तो प्लीज को साइड रखिए, अब उसको नहीं लिखना है, नहीं फिर से उसको उतार दो, ठीक। तो यहां पर हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू, अब यहां पर लेंड है, अब मी किसमें बदलेगा, यही ध्यान देना, कह रहा है कि ही सेड उसने कहा, ही सेड उसने कहा अपने दोस्त से, यानी कोई लड़का है अपने दोस्त को बोल रहा है
कि कृपया तुम मुझे अपनी किताब दे दो। मुझे मतलब किसको? उस लड़के की बात कर रहा है। वो लड़का कह रहा है उस दूसरे वाले लड़के से, है ना। मैं तो आपको बता रहा हूं कि भाई उस लड़के ने अपने दोस्त से कहा, अपने दोस्त से जब कह रहा है कि भाई कृपया मुझे अपनी किताब दे दो, तो वो मेरी बात नहीं, वो खुद अपनी बात कर रहा है। तो यहां पर बच्चों क्या हो जाएगा? हिज हो जाएगा, यही तो समझना है, ठीक, सॉरी हिम हो जाएगा, ठीक। तो लेंड हिम, हिम माने उसे, यही तो भाई। अगर मैं इसे अपने शब्दों में आपको बताऊंगा, इसे तो कैसे बताऊंगा कि उसने अपने दोस्त से कहा कि कृपया उसे वह अपनी किताब दे दे, ठीक है ना, उसे अपनी किताब दे दे। यही तो कहेंगे ना यार, वो अपने दोस्त से कह रहा था कि भाई, मतलब अगर वो कहेगा कि मैं मुझे अपनी किताब दे दो, लेकिन मैं तुमको बताऊंगा तो भाई, अगर मैं आप सबको कहूंगा, ठीक है ना, या किसी और से बोलूंगा तो यही बताऊंगा यार, वो अपने दोस्त से कह रहा था कि यार कृपया वो अपनी किताब उसे दे दे। उसे मतलब कौन? वो जो कह रहा है। तो यहां लेंड हिम हो गया बच्चों, योर की बात करेगा तो अपनी उसकी दोस्त की बात हो रही है, तो यहां पर हिज हो जाएगा, हिज बुक। बस यही समझना है, कोई रूल्स वगैरह नहीं फॉलो करना, कुछ नहीं समझना है, बस आपको कहने वाले वाले का पता होना चाहिए, सुनने वाले का, तो उसी के अनुसार आप बदल देंगे, बस और कुछ नहीं। चलिए अगला क्या कह रहा है कि द बॉय सेड, ठीक, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, द बॉय सेड एलस, दुख की बात हो रही है, आई हैव वेस्टेड माई टाइम, कि मैंने अपना समय गंवा दिया। भाई कह रहा है कि इसमें क्या कह रहा है कि बॉय सेड, लड़के ने कहा, एलस यानी दुख का, जब भी हुर्रा आए, एलस आए, आह आए, उई आए, ओह आए, ऐसी सिचुएशन में हमेशा खुशी या फिर दुख की बात की जाती है। ये एक्सक्लामेटरी होते हैं, इनका हमेशा, इनके पहचानने का बस एक मजेदार तरीका यह है कि ये मार्क आपको एक्सक्लामेटरी मार्क दिख जाएगा, और यहां पर एक्सक्लामेटरी मार्क जब भी दिख जाए तो बच्चों सेड या सेड टू को हमेशा इतना ध्यान देना, क्या एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड में अकेले बदल दीजिए, या एक्सक्लेम्ड विथ सारो, या एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, आपको ना पता चले कहां खुशी है कहां गम है, है ना, खुशी और गम के बारे में ना मालूम चलो तो केवल और केवल एक्सक्लेम्ड लिख दीजिए, लेकिन अगर पता है कि भाई दुख है तो विथ सारो जोड़ दीजिए, पता है कि खुशी है तो विथ जॉय जोड़ दीजिए, है ना। अगर लगे आश्चर्य हो रहा है तो क्या करिए, सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, ठीक, ये चीज। तो यहां पर कह रहा द बॉय सेड, लड़के ने कहा, एलस आई हैव वेस्टेड माई टाइम, कि लड़के ने कहा कि एलस यानी दुख का भाव प्रकट हो रहा है कि मैंने अपने अपना समय गंवा दिया। उस लड़के ने कह रहा, कोई लड़का कह रहा, अगर मैं आपको ये अपने शब्दों में बताऊंगा तो कैसे कहूंगा कि भाई उस लड़के ने दुख के साथ कहा कि उसने अपना समय गंवा दिया है, यही तो कहेंगे ना कि उसने अपना समय गंवा दिया है। तो ये लिखेंगे बच्चों द, लिखेंगे द बॉय, ठीक, द बॉय, हमने क्या बताया, एक्सक्लेम्ड, ठीक है ना, यहां पर एक्सक्लेम्ड। अब बोला ना आपको, आपको नहीं पता है तो एक्सक्लेम्ड अकेले लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें पता है भाई दुख की बात करें, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो लिख देंगे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो कि दुख के साथ कहा। अब एलस वेलस से कोई मतलब नहीं है, यहां पर आह उई ओह हुर्रा कुछ भी है उसको छोड़ देते हैं। फिर यहां पर अब भाई कौन कह रहा है कि मैंने अपना समय गंवा दिया, तो मैंने नहीं, उस लड़के की बात कर रहा, उस लड़के ने गंवाया है, तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, यहां पर क्या होगा भाई, हाँ संयोजक पहले दैट लगा देते हैं, कंजक्शन हमेशा बच्चों दैट लगता है, दैट ही हैज हैव बराबर हैड होता है, ठीक, क्यों, क्योंकि भाई गंवा दिया है, मैं आपको बता रहा हूं लेकिन वो बात पुरानी हो चुकी है, वो पास्ट की हो चुकी है, इसलिए हैड लग गया, इतना आपको याद रखना है बच्चों। तो ही हैड, लिखेंगे बच्चों वेस्टेड, ठीक, अब यहां माई टाइम, मेरा समय नहीं गंवाया है, मेरा समय नहीं भाई, भाई मेरा समय ठीक है, उसका समय, तो यहां पर क्या लिखेंगे, हिज टाइम, ठीक, बात समझ में आई, बस यही तो करना है, काहे का कठिन है बबुआ। चलिए अगला है, देख लेते हैं क्या कह रहा है, कह रहा कि माई फादर सेड टू मी, मेरे पिताजी ने, हमारे पप्पा जी ने हमसे कहा, क्या कहा, कि बेटा कहता है, है ना, नहीं बेटा नहीं कहता, पापा कहते हैं कि बड़ा नाम करेगा और बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, है ना, बेटा का कर रहा है उनको का मालूम। यहां पर बस ऐसा याद आ गया
कि माई फादर सेड टू मी, कि मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, क्या कहते हैं, डू यू नो, क्या तुमको मालूम है, वेयर प्रेम इज, कि प्रेम कहाँ है, कौन सा प्रेम, प्रेम की यहां प्यार मोहब्बत की बातें नहीं हो रही, प्रेम कोई लड़का है ना। तो पिताजी पूछ रहे हैं कि क्या तुमको पता है कि प्रेम कहां है, तो चलिए बताते हैं प्रेम कहां है भाई। तो इसमें हम क्या लिखेंगे रसगुल्लों, इनडायरेक्ट इसको जब बनाएंगे, ध्यान से समझिएगा, हर तरह के क्वेश्चन को हमने उठाया है ना, और भी कराएंगे, डोंट वरी। अभी पहले इतना देख लीजिए, हम हर एक तरह के, अब ये यहां पर डू यू आ गया, डू, डज, वाज, वेयर, यानी अगर हम बात करें हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो जाए, है तो इंट्रोगेटिव, लेकिन हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो जाए अगर यहां पर, तो ऐसी सिचुएशन में आपको पता होना चाहिए बच्चों, सेड या सेड टू को आस्कड में बदलेंगे। इतना ऑल टाइम याद रखिए, जब भी आपका इंटरोगेटिव आ जाए बच्चों, इंट्रोगेटिव के लिए क्या करते हैं, हमेशा इंट्रोगेटिव में जब भी आ जाए सेड या सेड टू को आस्कड में हमेशा कन्वर्ट करेंगे, इतना याद रखना, ठीक, जब भी हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो जाए। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पर डब्ल्यू एस से, वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट से शुरू हो जाए, तब सीन अलग हो जाता है। यहाँ तो सेड या सेड टू आस्कड ही रहेगा, लेकिन वही कंजक्शन के रूप में भी इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन इसमें कंजक्शन क्या लगेगा, इफ या वेदर लगता है। तो यहां पर लिखेंगे बच्चों, माई फादर सेड या सेड टू को आस्क्ड में कन्वर्ट करेंगे। ध्यान से समझिएगा, जब भी इंट्रोगेटिव में आए, यहां पर आपको पता चल जाएगा भाई इसे मार, वाज, वेयर से शुरुआत होगा, या डू या डज, डिज, कुछ भी हो सकता है, हैज, हैड से, तो वो सेड या सेड टू को आस्कड़ में कन्वर्ट करेंगे। अब संयोजक क्या हो जाएगा, इफ लगेगा जब यहां हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होगा। हमने बोला ना, अगर डब्ल्यू एच वाले शब्दों से शुरू हो जाए, तब वही शब्द, यानी डब्ल्यू एच वाले शब्द ही कंजक्शन बन जाते हैं, जैसे व्हाट, व्हेन, व्हेयर आ जाए यहां पर ना, तो वही चीज यहां उतार देते हैं। चलिए, हो गया इतना हमारा काम। अब देखिए कर्ता क्या, कौन है भाई, कर्ता को पकड़ेंगे, कर्ता यू है। तो यहां पर क्या है कि मेरे पिता ने मुझसे कहा, डू यू नो, क्या तुमको मालूम है कि प्रेम कहां है। तो मैं अगर किसी को बताऊंगा ये बात, जैसे मैं आपको बताऊंगा, तो मैं क्या कहूंगा कि मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि क्या मुझे मालूम है कि प्रेम कहां है। यही तो कहूंगा कि मेरे पिताजी यार मुझसे पूछ रहे थे कि प्रेम कहां है, यही तो बताऊंगा। तो यहां इफ, यहां आई हो जाएगा, ठीक। यहां अब देखिए नो का, भाई नो, क्या जानते हो, उस समय जब बता रहे थे पप्पा जी हमारे, तो जानते हो कि बात आई थी, यानी वो उस समय प्रेजेंट टाइम में था। अब बात पुरानी हो चुकी है, बात बीत चुकी है, पास्ट की बात हो चुकी है, तो ऐसे में हम पास्ट का ही प्रयोग करेंगे भाई। यहां पर न्यू हो जाएगा, इफ आई न्यू, उसके बाद वेयर प्रेम, अब इज नहीं लगाएंगे, हमने बोला ना बात पुरानी हो चुकी है पास्ट की, तो भाई इस तो उस समय की बात थी, अब तो बात में जब बता रहा हूं बात पुरानी हो चुकी है, तो वाज हो जाएगा, है ना। तो है ना मजेदार बच्चों, इस तरह से बहुत ही सरल तरीके से चुटकियों में हम इसका निपटारा कर सकते हैं। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद आगे के और भी हम एग्जांपल करा देते हैं। तो चलिए, और भी कुछ आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट नरेशन है, उनको भी हम चो देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, सारे टाइप के नरेशन हमने आज यहां पर लिख रखा है। कह रहा है कि चो, रमेश सेड टू हिज सर्वेंट, रमेश ने अपने नौकर से कहा, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी लाओ। अब यहां पर आपको बताने की जरूरत नहीं, बस आपको भाव समझना है भाई, क्या है। देखिए इसमें रमेश अपने नौकर को क्या कह रहा है कि एक ग्लास पानी लाओ, कहने का मतलब वो ऑर्डर दे रहा है कि नहीं भाई। आप जैसे आपसे कोई कुछ मांगता है कि भाई ये लाओ, तो आप गुस्से में बोलते हैं भाई मैं तुम्हारा नौकर हूं क्या है भाई, जाओ अपना काम कर लो, जाओ तुम ले लो, मैं कहूँ क्यों लाओ, है ना। तो अगर कोई आपसे कुछ कहता है कि एक ग्लास पानी लाओ, एक ग्लास मतलब एक कप चाय लाओ, एक कप कॉफी लाओ, तो वो आपको ऑर्डर दे रहा है, और ऐसी कंडीशन में आपको बस यही समझना, हमने कहा ना भाव समझ गए बच्चों, खत्म।
तो ऐसी सिचुएशन में सिड या सिड टू को अपन ऑर्डर्ड में और हमेशा कंजक्शन दैट ही लगाएंगे, चाहे रिक्वेस्टेड का भाव आए, चाहे फॉरबिड का भाव आए, चाहे मतलब हम बात करें ऑर्डर्ड का भाव आए, मतलब कोई भी, चाहे एडवाइज्ड का भाव आए, ऐसे में हमेशा कंजक्शन तो दैट ही, मतलब टू ही लगता है, सॉरी दैट नहीं टू ही लगता है बच्चों। तो लिखेंगे इसको कैसे, चलिए यहां पर हम लिखेंगे बच्चों, ठीक है, इसको इनडायरेक्टली कैसे लिखेंगे, इनडायरेक्ट में, ठीक, तो लिखेंगे कि रमेश ऑर्डर्ड, ठीक, रमेश ऑर्डर्ड कि रमेश ने ऑर्डर की, मतलब ऑर्डर किया, ठीक, ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट, क्या कर रहा भाई, संयोजक टू, टू और उसके बाद पूरा छाप दीजिए, इसमें कुछ नहीं करना, टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, कि रमेश ने, इसका अर्थ ये हुआ भी रमेश ने अपने नौकर को एक ग्लास पानी लाने का, मतलब का ऑर्डर दिया, ठीक है ना, तो ये चीज हो जाएगा। चलिए अगला इसका देख लेते हैं क्या बनाएंगे बच्चों, ठीक, बस थोड़ा समझना है रसगुल्लो, उसके बाद सारी चीजें बहुत ही आसान। ये डब्ल्यू एच वाला हमने उठा दिया, इसके पहले हमने एक और भी इंट्रोगेटिव देखा था, इंट्रोगेटिव भी आपका बहुत ज्यादा पूछता है, परेशान होने की जरूरत नहीं, वे दो होंगे एक करना है, टेंशन का है कर लेना, ठीक। चलिए इसमें क्या है, लिखेंगे कि द टीचर, देखिए टीचर सेड टू श्याम, टीचर ने श्याम से कहा कि व्हाई आर यू वेटिंग फॉर हिम, कि तुम उसका इंतजार क्यों कर रहे हो, कि भाई टीचर ने क्या किया, श्याम से कहा कि तुम उसका इंतजार क्यों, उसका मतलब कोई भी थर्ड पर्सन है, हमें नहीं मालूम भाई उसके बारे में। तो लिखेंगे बच्चों, हमने बोला ना आ गया डब्ल्यू एस से शुरुआत हो गया, तो ऐसी सिचुएशन में सेड या सेड टू को पहले आस्क्ड में कन्वर्ट करेंगे, ये हमारा काम है, कर देते हैं। तो लिखेंगे द टीचर आस्क्ड श्याम, आस्क्ड श्याम लिखेंगे बच्चों, उसके बाद कंजक्शन यहां पर अब इफ या वेदर नहीं लगाएंगे, इफ या वेदर नहीं लगाना, तब क्या लगाएंगे, हमने बोला डब्ल्यू एच वाले आए तो वही उतार देते हैं, तो श्याम फिर उसके बाद वाई, अब भाई यहां पे हमने बोला ना हमें कर्ता चाहिए, बस कंजक्शन के बाद कर्ता चाहिए, इतना याद रखना, कर्ता इसमें कौन है, यू है, तो यू को क्या हम यू ही लिखेंगे, नहीं, पहले सेंस को समझिए ना, कि भाई टीचर ने श्याम से कहा कि तुम उसका इंतजार क्यों कर रहे हो, तो मैं अगर किसी को बताऊंगा, आपको बताऊंगा, तो यही कहूंगा ना कि टीचर ने श्याम से कहा कि वह उसका इंतजार क्यों कर रहा है, तो भाई वह, अब ये मैं आपको बता रहा हूं, तो ये इस किसके लिए, सॉरी ये जो बात हो रहा है बच्चों, यू किसके लिए हो रहा है, इस लड़के के, मतलब श्याम के लिए, भाई लड़का है ना, तो ही, अब इज एम आर हमने बोला ना, ये बात क्या थी, उस समय प्रेजेंट में थी, लेकिन अब मैं जब बता रहा हूं बात पुरानी हो चुकी है, बीत चुका है, तो यहां पर वाज हो जाएगा, ही वाज, अब उसके बाद क्या लिखेंगे बच्चों, वेटिंग, क्या वेटिंग लिख रहे हैं भाई, वेटिंग फॉर क्या हो जाएगा, हिम, अब भाई लड़का कौन है मैं नहीं मालूम, तो हिम ही होगा ना, थर्ड पर्सन नो चेंजिंग, आपको मालूम है। चलिए अगला इसका देख लेते हैं क्या करना है इसमें, ये भी बेहद मजेदार है, सारे टाइप के हमने रखा है बच्चों, आपको बस इन्हीं को थोड़ा जम के प्रैक्टिस कर लेना, समझ लेना, जिस तरह से ये बनते हैं आप इसी को, इसी के आधार पर देख करके सॉल्व करिए, ठीक। चलिए क्वेश्चन क्या है, कि द डॉक्टर सेड टू पेशेंट, कि डॉक्टर ने पेशेंट से कहा, क्या कहते हैं, कि डू नॉट ईट फ्राइड सब्सटेंसेस, कह रहे हैं कि भाई डॉक्टर ने पेशेंट से कहा, क्या कहा, कि जो तली भुनी चीजें हैं वो मत खाओ। अब क्या कह रहा भाई, यहां पर क्या कर रहे हैं, एक तो आप देखेंगे तो एडवाइज्ड कर रहे हैं, है ना, बिल्कुल कर रहे हैं भाई, और वही कर रहे हैं, सलाह ही दी जा रही है भाई, डॉक्टर जब भी रोगी को कुछ बोलते हैं, हमको कुछ कहते हैं, तो उनकी हर एक बातें हमारे लिए एक सलाह होती हैं, वो हमें एडवाइस करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों, ठीक ना, हमने बोला ना आप एक बार इसको पढ़ लेंगे तो अर्थ अपने आप समझ में आ जाता है, कि डॉक्टर ने पेशेंट से कहा कि तली भुनी चीजें मत खाओ, तो भाई सिड या सिड टू को अपन एडवाइज्ड में बदलेंगे, लिखेंगे क्या, द डॉक्टर एडवाइज्ड, डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट, कि डॉक्टर ने एडवाइस, मतलब पेशेंट को सलाह दिया,
ठीक है ना, पेट यहां पेशेंट हो जाएगा। अब उसके बाद कंजक्शन समझिएगा, इसमें डू नॉट है ना भाई, डू से कोई मतलब ही नहीं है, यहां पर मना किया जा रहा है, तो यहां पर हो जाएगा नॉट टू ईट, नॉट टू ईट फ्राइड, फ्राइड हो जाएगा बच्चों सब्सटेंसेस। इसका अर्थ यह हुआ कि डॉक्टर ने पेशेंट को तली भुनी चीजों, मतलब तली भुनी चीजें ना खाने की सलाह दिया। बात समझ में आई? चलिए ठीक, अगला देख लेते हैं बच्चों क्या कह रहा है। अगला ये भी क्या है आपका, बेहद इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि सुधा सेड टू मी, सुधा ने मुझसे कहा गुड मॉर्निंग। भाई मुझे क्या कर रही है, गुड मॉर्निंग बोल रही है सुधा। अब गुड मॉर्निंग बोल रही, तो गुड मॉर्निंग आता किस में भाई, विश में आता है ना, बोल देना कि हैप्पी बर्थडे टू यू, है ना, हैप्पी बर्थडे का भाव है, तो विश कोई कर रहा है, कोई कंग्रेचुलेशंस बोल रहे हैं भाई, बधाइयां बांट रहे हैं, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, तो ये विशेष हैं। ये क्या होती हैं, विशेष शुभकामनाएं होती है ना, तो हमारे के लिए विशेष बांटी जा रही है भाई। तो यहां पर हम क्या है, ठीक है ना, यहां पर कोई हमें विश कर रहा है, कौन, सुधा कर रही है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा, विश्ड लगता है, ठीक है ना। तो लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे कि सुधा, सुधा विश्ड मी, सुधा विश्ड मी, और उसके बाद इसमें दैट वगैरह कुछ नहीं लगता, याद रखना बच्चों, इसमें कंजेक्शन से कोई मतलब नहीं, यहां विश्ड मी हो जाएगा क्या, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बस इतना। अब यहां पर गुड नाइट आए, सुधा विश्ड मी गुड नाइट, सुधा विश्ड मी गुड मॉर्निंग, सुधा विश्ड मी गुड आफ्टरनून, इस तरह से चलता है। बात समझ में आई, हैप्पी बर्थडे है, सुधा विश्ड मी हैप्पी बर्थडे, बस हो गया है, इस तरह से करना बच्चों, इतना समझ लीजिए। कंजक्शन इसमें विश वाले में नहीं लगाते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं, अगला क्या कह रहा है इसको देखते हैं बेहद सरल तरीके से। सी सेड, उसने कहा, उसने कहा हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, कि बरसात कितनी सुंदर है, कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी है, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा है बच्चों, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो इसमें जब भी आपको एक चीज समझना बच्चों, इस क्वेश्चन को हमने इस तरह से इसलिए लिखा है, ये बहुत कम पूछा जाता है लेकिन बहुत ही लाजवाब है, अगर आ गया ना तो परेशानी में डाल सकता है। जब भी हाउ या व्हाट ए आए, हाउ आए तो हमेशा हम यहां से एक उठाते हैं, व्हाट ए आ जाए तो सब्जेक्ट जो भी रहता है उसके बाद भी एक और उठा लेते हैं, और ऐसे सिचुएशन में हाउ या व्हाट ए के लिए हमेशा वेरी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इतना याद रखना बच्चों, वेरी, ठीक है ना, वेरी का इस्तेमाल करते हैं या मच का, व्हाट ए आ जाता है तो मच लग जाता है ज्यादातर, ठीक। तो इसमें आपको क्या लिखना है, तो लिखेंगे बच्चों सी सेड, सी शेड, अब उसके बाद क्या करना है, यहां पर सी शेड उसने कहा, आगे लिखेंगे दैट, कंजक्शन दैट ही, हमने बोला ना एक्सक्लेमेटरी में हमेशा दैट ही लगता है, इसके पहले भी आपको बताए हैं, ठीक। तो ही शेड दैट, यहां पर अब करता, हमने बोला हाउ है तो एक उठता है, व्हाट ए होता तो इसके बाद एक और उठा लेते, तो लिखेंगे दैट द रैन, भाई उस समय इस बोला जा रहा, उस समय की बात भाई, कभी की बात, वो कोई लड़की है कर रही थी, मैं अब आपको बता रहा हूं, बात पुरानी हो चुकी है, इज एम आर है वाज बेयर, तो हो जाएगा दैट द रेन वाज, हमने बोला ना हाउ या व्हाट ए बराबर वेरी हो जाएगा, तो वेरी ब्यूटीफुल। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं बच्चों जो हम बताते हैं कि भाई कहां वेरी लगना, कैसे क्या करना, ये आपको अच्छे तरह से सीखना चाहिए, यही आपको अपने दिमाग में रखना है, विजुलाइज करना है, तभी आप नरेशन को बहुत ही सिंपल तरीके से सीख सकते हो। भाई फिर तो कोई भी आए कुछ भी दे हमें क्या मतलब, हम इजिली पोस्टमार्टम कर देंगे। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और हाँ इसको स्क्रीनशॉट जरूर कर लीजिए।